भाई साहब, इन बेचारे भाई साहब की कल से तबीयत खराब हो गई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कल इतना कोई छिड़े हुए थे कि इनकी तबीयत ऐसी खराब हो गई और ये बिल्कुल तबीयत खराब लेके बुखार फ्लू सब लेके बैठे हैं आज। दूर रहना आपको भी ना हो जाए। ओ सही है भाई, सबसे पहले यही एहतियात करनी पड़ेगी। सो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि लाइट तो गई हुई थी और हम लोग घर से बाहर निकले हुए थे हवा हवा खाने के लिए और जुम्मा भी आज, सो लाइट आती है फ्रेश होते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई यहाँ चल रही है बच्चों की बगल ही क्रिकेट। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा खेलता है भाई ये। तो भाई यहाँ है मेरे जुम्मे के कपड़े यानी कि कुर्ता शलवार सारे, जिसमें से अभी मुझे निकालने पड़ेंगे कि कौन सा मैंने अभी पहनना है और कौन सा नहीं पहनना, क्योंकि इसमें सारे सर्दियों के भी कपड़े हैं तो इसको देखना पड़ेगा। सो भाई आई टेक आउट दिस नेवी ब्लू कलर बिकॉज मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अब ये होगा इसको रखेंगे भैया। हमने जुम्मा पढ़ लिया था, जुम्मे के बाद हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अब हो रहा है टाइम 4:45 का। मौसम वैसे ही बढ़िया वाला हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त वाला। अभी जा रहा हूँ जरा सा बाहर, दोस्त आया, इसकी शादी हुई थी अभी बीच में तो वो आया था, सो उससे मिलने जा रहा हूँ। तो भैया मैं आ गया था अपने दोस्त से मिलके, वो बहुत ही यानी कि बड़ा मज़ा आया उससे मिलके और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम सनोला आया था, मिलके बहुत अच्छा लगा। बातचीत आपको पता है बहुत ज़्यादा हम लोग साथ ही रहते थे तो आपको पता है जब दोस्त दूर हो जाते तो बहुत ज़्यादा अलग ही फील हो जाता है। तो मम्मा ने आज मेरी ज़बरदस्त सी फेवरेट सी चीज़ बनाई है और वो है ये कोफ्ते मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे मैं भी दिख रहा हूँ आप लोगों को। कैसे दिख रहा हूँ? यूं वाइट में कुछ ज़्यादा ही वाइट है। हेलो, क्या हुआ पापा, कैसे हो आप? भूख लग रही है क्या? लग रहा है ऐसा पप्पा भाई हमारे गुम हुए हैं आजकल और बड़ा मसरूफ़ रहते हैं अपने कामों में। कोई मसला नहीं है, आएंगे आगे इंशाल्लाह जब हम फ्री होंगे, पप्पा को भी फ्री करके इनके साथ घूमेंगे, कोई मसला नहीं है। सो अभी खाने का टाइम है, खाने पे दस्तरखान पे बैठेंगे और फिर मिलेंगे। हमारे फुल गुस्से में चल रहे, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया सीन, सुन रहे हो? डांट पीट चल रही है अभी यहाँ पे ना, खैर हो गई, कोई मसला नहीं है, सबके घरों में चलते हैं। बिल्कुल गुस्सा पता है किस बात पर है? वो इस बात पे कि एक तो सुबह काम पे जाओ, फिर शाम में आओ तो लाइट नहीं, फिर खाना खाने बैठो, फिर उसके बाद 1.5 घंटे बाद फिर लाइट जाएगी, फिर 2.5 घंटे तक। तो ज़िंदगी ऐसी गुजर रही है, सुबह जॉब पे, फिर उसके बाद लाइट गई, फिर उसके बाद खाना खाया, फिर उसके बाद लाइट गई, फिर उसके बाद सो गया, फिर सुबह उठे तो लाइट नहीं। जिंदगी ऐसी चल रही, यही जिंदगी है कि भाई बेकार हो गई है जिंदगी, बिल्कुल अंधेरे में गुजारो जिंदगी और मच्छरों के साथ जिंदगी का तक तक आ गया हो, आराम करने का सोचो और आराम हो जाता है हमारा बेड़ा गिरा। सो खाना खाया हम और खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं, मेरी बड़ी फेवरेट डिश है तो डोंट फॉरगेट टू वेट दिस डिश। सो हेयर वी गो, और मैं आया हूँ, खाना खा लिया था हमने, उसके बाद बस अभी मुझे टाइम मिला और वेरी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमें सुनने को मिली है, वो ये है कि भाई आज और पूरी फैमिली ने उन्होंने जाना था और आज बढ़िया अनएक्सपेक्टेड और सडन जो हमें न्यूज़ सुनने को मिली और अचानक ही ऐसी चीज़ इंसान को बता के नहीं होती, इंसान को हर चीज़ से अवेयर होना चाहिए। और हम लोग जैसे आपके सामने कल व्लॉग में मिल के आए हैं उनसे और मजाक मस्ती सब, जैसे आपको बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत आम है, अनएक्सपेक्टेडली हर जगह ऐसी चीज़ हो जाती है, इंसान को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कहूँगा कि एक जब हम ट्रिप अरेंज करते हैं कहीं पे भी जाने की, इंजॉय पर अगर हम कहीं पे भी इंजॉय करने के लिए जाएं और ट्रिप अरेंज करें और वहाँ के लिए हम कुछ अच्छा सोचें और हमारी तैयारियाँ चल रही हों, तैयारियों के साथ साथ हम लोग फुल इंजॉय अगर होते माहौल को, फीलिंग हमारी बढ़ती जाती है, हमारी हैप्पीनेस बढ़ती जाती है, हम लोग इतना कोई एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार हमने जाना है। और माशाल्लाह से वो अलग ही घर जा रहे थे और वहाँ जाने की अलग ही खुशी होती है और अलग ही फीलिंग होती है। इंसान को पता ही नहीं होता कि अगले पल में उसके साथ क्या होने वाला है, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, क्या होने वाला है। जब हम किसी दूसरी ट्रिप पर जाते हैं इतना एक्साइटेड होते हैं तो वहाँ के लिए कितना एक्साइटेड हुए होंगे, और जब चीज़ें आती हैं तो इंसान को और दिलचस्पी बढ़ती जाती है कि बस जल्दी जल्दी दिन करीब आए और
जब अचानक से हमारा कभी प्लान चेंज हो जाता है किसी भी जगह का, तो हम कितने ज़्यादा, इतना अच्छा वो था प्लान और वो सब कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ दिस, बट इंस्टीड ऑफ दिस अगर हमारे सामने, आंखों के सामने कुछ ऐसा हो जाए और हमसे ही वो चीज़ ले ली जाए और छीन ली जाए तो कैसा लगता है। लगी बिल्कुल अफसोस हो रहा था मुझे, इंसान कहीं जा रहा है अच्छी जगह और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वो अगले आधे घंटे दो घंटे बिल्कुल ही बस डम हो जाता है कि हुआ क्या है, व्हाट वाज हैपेंड विद मी। ये चीज़ हम में से आपके साथ या किसी के भी साथ हो सकती है, कुछ भी नहीं कर सकते। अफसोस हुआ मुझे भाई फैमिली के साथ जाना और इतनी अच्छी जगह जाना, और अक्सर तो लोग अपने फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते, यानी कि फैमिली के साथ कहीं जा नहीं पाते और इतनी अच्छी जगह जा रहे थे माशाल्लाह से, नसीब में नहीं था। जैसे बोलते हैं ना, नसीब वालों को मिलते हैं ऐसे मौके और वो जाते हैं और नसीब में नहीं होते, तो अल्लाह ताला उनका जल्दी से अरेंज करवाए हमारे भाई का, और वो भी जाएँ वहाँ पर जाके उम्रा करें और हमें भी दुआएँ याद रखें। और बस इन चीज़ों से भाई जो जो भी अगर देख रहे हैं और उस चीज़ों को शेयर करना चाहिए, इंसान को हर किसी की फीलिंग से नहीं खेलना चाहिए, ज़रूरत की चीज़ तो दे देनी चाहिए, ऑलमोस्ट जो जिस चीज़ की ज़रूरत है एटलीस्ट वो मांग रहे तो वो दे ही देनी चाहिए ना। आप लोग भी अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला हम सब की फैमिलीज़ को हिफ्ज़ो अमान में रखे, और माज़ लोग जो अभी जाएंगे तो उनको भी खैर खैरियत से पहुँचाए और खैर खैरियत से घर पर लेके आए, अल्लाह ताला खैर खैरियत से जाएँ, खैर खैरियत से आएँ। ये मेरा ये कोई दिल नहीं था कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन अचानक से जब चीज़ होती है ना सडन, अगर हमारे ही रिलेटिव हमारे फैमिली मेम्बर के साथ हो, ये चीज़ तो हर किसी को पता है, यानी ये वाकया जो कल हुआ है, यानी ये मैं आज बना रहा हूँ और ये कल हुआ है, लोगों को पता है, लोगों ने ये चीज़ को इतना वायरल किया कि भाई घंटों में वीडियोज जा रही हैं आगे पीछे। मैं अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहा हूँ कि मैं उनकी जगह होता अगर तो क्या होता, और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे वाक़यात हुए हैं तो आप लोग भी बता सकते हो, शेयर भी कर सकते हो मेरे साथ, ताकि मैं भी अवेयर हूँ इन चीज़ों से और मुझे भी पता लगे, क्योंकि हम व्लॉगर, हम वीडियो बनाने वाले कुछ किसी चीज़ के पीछे नहीं होते, हम सिर्फ एक ऑडियंस चाहते हैं, हम सिर्फ एक हमें देखने वाला चाहते हैं जो हमें देखे, हंसे, मुस्कुराए और फैमिली मुस्कुराए, एक माहौल क्रिएट, अच्छी फैमिली है, यानी कि लोग मिसाल दे पाए हमारी, इस वजह से हम लोग बनाते हैं। और कितनी कितनी मुश्किल से बाहर जाना पड़ता है, कैसे कैसे वीडियोस बनानी पड़ती हैं, कैसे कैसे किन किन मुश्किलों के वक्त में हमें आपको एक वीडियो प्रोवाइड करनी होती है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं सबके पीछे, इंसान कैसे किस चीज़ को कब मैनेज करता है वो सब इंसान को ही देखना पड़ता है जिस जो कर रहा होता है। इनफैक्ट मी अभी दो चार चीज़ें हैं पर मेरा सेकेंड लास्ट पेपर है फाइनल, फिर उसके बाद कुछ मुझे गैप मिलेगा जिसमें मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा और मेरी वीडियोस जारी रहेंगी और मैं इंशाल्लाह बनाते रहूंगा ज़िंदगी रही तो। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, इससे आपको क्या हो रहा है, इंटरटेन हो रहे हो, आपका बोरियत वाला समय ख़त्म हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एंड में ये बोलना चाहूँगा कि भाई हमें हर चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो चीज़ भी होती है ना हमारी लाइफ में, जो भी हमारे साथ हो रहा है और होगा, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता, और जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है और हमारे जो नसीब में होता है वही होता है। तो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें और उम्मीद पे कायम रखें, और अल्लाह ताला की ज़ात से कभी ना उम्मीद ना होएं और ना होना चाहिए। सही है, यहीं पर एंड करते हैं। जाते यही कहूँगा कि आप लोगों ने भी घर से बाहर कम निकलना है, कीमती सामान को घर पर बी सेफ विद योर सेल्फ एज यू ऑल कैन। सो इस व्लॉग को, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको बातें पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी फीलिंग और उनकी फीलिंग सबकी समझ आई होगी, और उम्मीद है आपको मेरा मोटिव समझ आया होगा समझाने का। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे आपको कल, मेरी डेली व्लॉगिंग है। अगर आप चैनल को नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कॉमेंट करना है और शेयर भी कर सकते हो बहुत ज़्यादा अगर बातें मेरी अच्छी लगी हों तो। मिलेंगे आपको कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।